तो हम बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर की आगे तरफ, क्योंकि पुलिस लाइन में बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे और सब लोग शायद बोर हो रहे थे, बैठे बैठे क्या करें, बतियाते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। शायद उनके लिए टाइम बहुत लंबा व्यतीत हो रहा था, पर शायद उनको नहीं पता था जो आगे घटना होगी, ये तो रेसर वाली उनसे है वो ना, दौड़ने वाली है कितने ना। हाँ उत्साहित, जोश से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो उसके बाद जो शुरू होती है ड्रिल, उस ड्रिल को देख कर ही पूरे सभागार, पूरे ग्राउंड के पूरे अंदर सभागार में करत हाँ तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ, क्योंकि जो ड्रिल थी टीचर के इनकी पास लग रहा रिकॉर्डिंग है। उसको देख कर ही, जो इनका तालमेल था हाथों का, आप भी देख सकते हो। तो लग रहा था देखो कितना सारे अच्छा लग रहा। एक जैसे, एक ही लय में सारे कदम और ताल बढ़ते जा रहे हैं। और आदमी तो आदमी, जानवरों भी कदम ताल में एक साथ चल रहे हैं, इसीलिए एक ये तालियों की गड़गड़ाहट ख़त्म नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि ये पुलिस, जैसे कि आप हम आर्मी को रेस्पेक्ट करते हैं कि वो देश की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह ये पुलिस दल भी हर एक स्टेट की सुरक्षा करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हों, जैसा कि लोग मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था ईमानदार लोगों से चलती है। भ्रष्टाचार लोग तो कभी ना कभी फंस जाते हैं। और इसी तरह अब हम क्या बात करें पुलिस वालों की, हर जगह वो तैनात रहते हैं, हमें मुसीबतों से भी बचाते हैं। लगता ज़रूर होगा हमें, हो सकता है अगर वो हमें पकड़ते भी हैं, क्योंकि हमारे पास हेलमेट नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता, हमारी एज इस लायक नहीं होती कि हम टू व्हीलर को, गियर वाली टू व्हीलर को चलाएं, पर हम फिर भी चोरी छिपे चलाते हैं। अगर वो पकड़ लें तो भी क्या बुरा है। चलिए हम इस बात को छोड़ते हैं, वापस पुलिस लाइन की तरफ आ पड़ते हैं। और इसी तरह, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री थे वो भी पधार चुके थे, और गवर्नर साहब भी पधार चुके थे, और उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत किया गया, हमारे द्वारा ही नहीं बल्कि घुड़सवारों के द्वारा और पुलिस दल के द्वारा भी उनको सलाम किया गया। और उसके बाद एक के बाद एक जो प्रोग्राम हुए, उसके बारे में तो हम क्या बात करें। माना कि इसके बीच में कुछ टाइम ऐसा था कि बच्चों को भी बोरियत आ गई थी, क्योंकि उसके बाद धामी जी, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर का भी भाषण था, और इसी तरह के फोटोग्राफर थे वो भी खड़े थे फोटो ले रहे थे, चलते चलते मैंने इनकी खींच दी, फोटो खुद ही ले ली, मजा आई ये हमारी खींच रहे, मैंने इनकी खींच दी, कैद कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे